जो बादाम और पिस्ता, ये सारे मैं इसमें नट्स ऐड कर दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो चुका है और घी किस तरह निकलता है मैं आपको चेक करवाती हूँ इसके फाइनल होने की क्या स्टेज होती है। ये देखिए आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये नीचे ये आपको घी नज़र आ रहा है। ये देखिए और चम्मच में भी मैं आपको चेक करवा दूँ आपको घी नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, हलवा हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने YouTube फैमिली के लिए एक और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे गाजर हलवा, बहुत ही मज़े का बनता है और सर्दियों की सौगात कहा जाता है इसको। अगर आपने सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपने सर्दियों को इंजॉय नहीं किया। बहुत ही मज़े का बनता है, आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, लाइक और शेयर भी करना है। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 kg मैंने ली है कैरेट्स, गाजरें, उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया छीलने के बाद और उसके बाद हमने इसको ग्रेट कर लिया। ठीक है, 5 kg हमारे पास है कैरेट्स, 2 kg हम इसमें यूज़ करेंगे शुगर यानी कि चीनी और 1 kg मेरे पास है मलाई, जो अमूमन दूध से उतार के हम लोग घरों में रखते हैं। मलाई क्या काम करेगी जी, मलाई इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी और ये देसी घी का काम करेगी, ठीक है, हलवे में। और दूध मैं इसमें यूज़ करूँगी 7 to 8 kg, जितना आप इसमें दूध ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हलवा आपका मज़ेदार और डिलीशियस सा बनेगा, बहुत ही मज़े का खोए वाला जायका आएगा आपको। दूध मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह 8 kg मेरे पास है दूध, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, हाई फ्लेम है और अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। दूध हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें गाजर ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने ग्रेट की हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आराम आराम से हम इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से सारी गाजर जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दूध आप ज़्यादा रखिएगा, आप इससे कम भी रेशो रख सकते हैं, 5 kg से आप कम भी गाजरें ले सकते हैं। दूध आप जितना इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपको टेस्ट ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। ये देखिए गाजर इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दी है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको एक उबाल आने देंगे। उबाल को लग जाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मलाई। चीनी हम बाद में ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स सबसे एंड में ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सा ड्राई फ्रूट मैं इसमें यूज़ करूंगी या यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये हमने इसमें डाल दिया और अभी हम इसको एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पे। फ्लेम आपने हाई रखनी है, ठीक है। जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 घंटे वक्फे वक्फे से चम्मच चलाकर पकाएंगे, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता या दूध 8 kg से 5 to 4 kg पे नहीं आ जाता, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और दूध में उबाल आ चुका है, गाजरें भी हमारी साथ ही इसमें बॉयल हो चुकी हैं आप देख सकते हैं, और ये जो हमने मलाई डाली थी इसमें वो भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। और अब हम जो है ना इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 घंटे के लिए कुक होने देंगे, पकने देंगे, जब तक कि इसका दूध ड्राई नहीं हो जाता और 80% दूध इसमें रिड्यूस नहीं हो जाता। ठीक हो गया, और अगर आप वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो दूध जब गर्म होता है दूध में बबल्स बनते रहते हैं और गाजरें जो हैं हमारी वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। नीचे बैठने से ये होता है अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो गाजरें नीचे लग जाएंगी, जल जाएंगी और आपका गाजर हलवा ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं रहेगा जैसा कि आप हलवाई से लाकर खाते हैं या बेकरी से लाकर खाते हैं, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आप जहन में रखा करें। और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं जैसे मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाना है, साथ के साथ में आपको
दिखाती भी रहूंगी वक्फे वक्फे से, जब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक ही देखना है, ठीक है। कमेंट से मुझे जरूर बताना है आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है इसे कि आपने मुझे फीडबैक दिया है। ठीक हो गया, अब फ्लेम कर दूंगी मैं मीडियम और इसको कुक होने देंगे 3 घंटे के लिए। ये देखिए अभी जस्ट 30 मिनट्स हुए हैं और 20% जो है हमारा दूध इसमें रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हैं वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमारी गाजरें जो है ना वो इकट्ठी होके नीचे ना लगें। इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है वक्फे वक्फे से, और चम्मच आपने इसके अंदर नहीं छोड़ना, बाहर निकाल देना है, ठीक है। दो घंटे हो चुके हैं तकरीबन और ये देखिए 70% दूध जो है वो रिड्यूस हो चुका है, 30% रह चुका है। 1 घंटा हम इसको तकरीबन कुक करेंगे, जब तक के दूध अच्छे तरीके से बिल्कुल हमारी गाजरें जो हैं ड्राई नहीं हो जाती, कुक नहीं हो जाती फुल। और आपने स्टार्ट टू एंड इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो दूध तो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन गाजरें जो हैं वो फिर कच्ची रह जाती हैं, वो अजीब सी लगती हैं, मज़ा नहीं आता गाजर हलवा खाने का, ठीक है। 1 घंटा इसको इसी तरीके से मैं चम्मच चलाती जाऊंगी वक्फे वक्फे से, और इसका दूध हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट इसमें से दूध जो है वो रिड्यूस हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैं इसमें 2 kg इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गाजर भी आपको पता है ऑलरेडी मीठी होती है, तो ये ज़्यादा मीठा ना हो, इसलिए इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और जब तक चीनी का पानी भी ड्राई नहीं हो जाता और जो हमने गाजर हलवे में मलाई यूज़ की थी वो उसका ऑयल या घी जो है वो स्प्रेड नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और अब हमने इसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाना है, अब हमने रुकना नहीं है, इसकी भुनाई करते वक्त कंटिन्यूसली हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसकी भुनाई करेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए जी इसका चीनी का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मुसलसल आप चम्मच इसमें चलाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी आपका हलवा जो है वो नीचे नहीं लगेगा, परफेक्ट बनके तैयार होगा। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये अभी इसमें पानी है, ठीक है, जब ये ड्रॉप्स गिरने बंद हो जाएंगे, ऑयल बाहर निकल आएगा, तो इट मीन्स हमारा गाजर का हलवा जो है वो बनके तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में है मेरे पास काजू, बादाम और पिस्ता, ये सारे मैं इसमें नट्स ऐड कर दूंगी और इसकी भुनाई करेंगे। ये आपने पहले नहीं डालने, एंड में ही डालिएगा। और इसकी भुनाई करूंगी मैं 10 मिनट तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ही, जब तक इसका ऑयल नहीं निकला था। इस तरीके से आपने चेक करना है, ये देखिए अभी इसमें पानी है, ठीक हो गया। ये देखिए अभी हम इसकी भुनाई करेंगे चम्मच चलाते हुए, रुकना ज़रा भी नहीं आपने। और इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताती चलूँ, 250 ग्राम मैंने पिस्ता काजू बादाम यूज़ किया है तीनों, 250 ग्राम्स, आप ज़्यादा या कम अपनी मर्जी के मुताबिक, जायके के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नट्स पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए जी, जब ये इसकी भुनाई हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो चुका है और घी किस तरह निकलता है मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसके फाइनल होने की क्या स्टेज होती है। ये देखिए आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये नीचे ये आपको घी नज़र आ रहा है, ये देखिए। और चम्मच में भी मैं आपको चेक करवा दूँ, आपको घी नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, हलवा हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको मैं निकाल लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।
तो लीजिए जी, तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस गर्मा गर्म गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल मैंने आपको बनाना सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, इसकी मैंने गार्निश की है काजू पिस्ता और बादाम से। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसकी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स देती चलूँ कि आप इसको 15 से 20 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में डालकर सर्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, आपने इसमें गीला स्पून नहीं यूज़ करना, वरना इसको फंगस लग जाएगा। नंबर थ्री, आपने जब इसकी भुनाई करनी है ना, तो इतनी अच्छे तरीके से करनी है आपने इसकी भुनाई कि इसमें से जब तक आपको ऑयल ना नज़र आए या घी स्प्रेड ना नज़र आए, तो आपने इसकी भुनाई करते जानी है। ज़रा सा भी आपने इसमें पानी छोड़ दिया, तब भी आपके हलवे को फंगस लग सकती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।